चाइल्डलाइन सब सेंटर जयनगर के द्वारा जयनगर अनुमंडल कार्यालय परिसर में रक्षा बैंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चाइल्डलाइन के द्वारा एसडीएम बेबी कुमारी, डीएसपी विप्लव कुमार, लेबर इंस्पेक्टर प्रेम कुमार समेत कई पदाधिकारी और कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधा। यह कार्यक्रम 14 से 21 नवंबर तक चाइल्डलाइन से दोस्ती कार्यक्रम 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें पदाधिकारियों ने कस्तूरबा विद्यालय दुल्लीपट्टी एवं प्रोडजी सेंट्रल स्कूल सहित अन्य स्कूलों के बच्चों से रक्षा सूत्र बांधवाकर उनकी सुरक्षा और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बच्चों ने पदाधिकारियों को सुरक्षा बंधन बैंड बांधकर अपनी सुरक्षा का वचन लिया। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी ने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। चाय द्वारा दोस्ती विक बनाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चाइल्ड लाइन से दोस्ती करके बच्चों को दोस्त बनाकर उनकी मदद कर सके। अगर आपको भी कोई बच्चा मुसीबत में नजर आता है तो चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर अवश्य दे, बच्चों को तत्काल मदद मिल जाएगा। चाइल्डलाइन सब सेंटर के कोऑर्डिनेटर तारानंद ठाकुर ने बताया कि 1098 बच्चे के सेवा में 24 घंटे तत्पर है। बच्चों के बाल विवाह और शोषण होने एवं नाबालिग मिलने पर लोग बेझिझक इसका प्रयोग किसी भी समय कर सकते हैं। चाहे दिन हो या रात, चाइल्डलाइन 0 से लेकर 18 साल के नीचे के लड़के या लड़की की सुरक्षा के लिए काम करता है। विगत कई वर्षों से चाइल्डलाइन क्षेत्र में कार्यरत है, कई बाल विवाह एवं शोषण को लेकर कार्य किया गया है और नाबालिग मिलने पर भी कार्य की गई है। मौके पर चाइल्डलाइन टीम सदस्य वकील यादव, रंजीता देवी, सबिता देवी एवं पप्पू पूर्वे ने संयुक्त रूप से लोगों को चाइल्डलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 की जानकारी दी। टीम ने निशुल्क फोन सेवा 1098 के माध्यम से स्कूल छोड़ चुके, घर से भागे हुए, मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम, शोषित, अति निर्धन, बाल विवाह से ग्रस्त, बाल मजदूरी से ग्रस्त, छेड़छाड़ से पीड़ित बच्चों के लिए चाइल्डलाइन के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी। इस मौके पर कस्तूरबा विद्यालय दुल्लीपट्टी के लेखापाल अंजनी गुप्ता, प्रोडजी सेंट्रल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील कुमार, शिक्षिका जूली कुमारी, शारदा कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर संतोष शर्मा समेत कई विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। चाइल्डलाइन के कार्यों की भी विस्तृत जानकारी छात्रों को दी गयी। आप लोग आज के डेट में पदाधिकारी को रक्षा बांधने की आपकी जिम्मेवारी है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ कि मैं जब तक यहाँ पोस्टेड हूँ, आप लोगों की जिम्मेवारी देती हूँ कि आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चाइल्ड लाइन का जो 1098 नंबर है, ये हम यहाँ के जनता और मीडिया कर्मी से भी अपील करना चाहते हैं कि अगर किसी तरह के बच्चे का ये शोषण होते हुए देखा जाए या तस्करी होते हुए देखा जाए, किसी तरीके से बच्चे रोड पे भटकते हुए देखे जाए, तो 1098 नंबर पर तुरंत कॉल करें। 1098 नंबर पर कॉल करने से हमारे चाइल्डलाइन की जो टीम है जाती है, उसको फिर वहाँ जा कर के हम लोग CWC में उपस्थित कर करके उसको फिर हम लोग सही उसको हम लोग अग्नि में रखते हैं, अग्नि में हम लोग उसको रख करके सारा उसको सुख सुविधा पढ़ाई लिखा सब वहाँ अवेलेबल होता है। तो इस चीज़ को पब्लिक में अभी अवेयर नहीं है, इसको पब्लिक को अवेयर करने की ज़रूरत है। जो बाल संरक्षण इकाई का जो बालिका गृह बालगृह चलता है, बहुत लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं उस सेक्शन में रहे हुए हैं, उस विभाग को हम नज़दीक से देखे हुए हैं, तो यही कहना चाहेंगे कि कोई भी पब्लिक हो, कोई भी अगर बच्चा अगर इस तरह से देखे, हम भी इससे आहत होते हैं। कहेंगे जब हम छपड़ा में थे तो हम बाल संरक्षण इकाई में ये ADCP के चार्ज में थे, तो वहाँ बाल गृह बालिका गृह ऑब्जर्वेशन होम सब में जेंटर में था, वहाँ हमेशा जाते थे, वहाँ के बच्चों के साथ बैठ करके खाना खाते थे, ऑब्जर्वेशन होम में जाते थे, वहाँ के जो भी बच्चे जो विधि सम्मत जो मतलब कैदी टाइप के होते थे बच्चों को उसके साथ बैठ के खाना खाते थे, उसकी मजबूरी को समझते थे, सब चीज़ करते थे। तो वही चीज़ हमारे मेरे काफ़ी करीब है और बच्चे जो उत्साहित हैं, मुझे भी अच्छा लगा कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। और कस्तूरबा में एक दिन हम आते हैं, इधर ऊपर का इंस्पेक्शन भी करना था, इधर हम नहीं पाए, लेकिन हम आपके स्कूल में तुरंत आएंगे और आपके साथ हम बैठेंगे, ठीक है। हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि तुरंत आपके स्कूल में हम आएंगे। मलबापुर हल्ला की बातों पर की खरौली, जयनगर और उन सभी प्रखंडों में बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन जो 14 नवंबर है, 14 नवंबर 1889 ईस्वी में उनकी जन्म हुई थी, भारत पूरे भारत में उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। सारे लोग चाइल्ड लाइन उसको बाल दिवस सप्ताह के रूप में मनाते आ रहा है। प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष भी हम लोग मनाए थे, उसी में एक सप्ताह का कार्यक्रम होता है। खास के रक्षा बैंड जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य कि जो जबे कुछ बच्चे हैं
वह एहसास दिलाते हैं पदाधिकारियों को कि हमारे सुरक्षा का भार भी आप ही के कंधे पर है। जिस तरह परिवार में रक्षा बैंड रक्षा बंधन जो बनाते हैं आप लोग बहन भाई को बांधती है, उस समय एहसास दिलाती है कि मेरे भैया हमारी रक्षा की जिम्मेवारी आपकी। उसी तरह इस कार्यक्रम से एक संदेश दिया जाता है कि जो भी पदाधिकारी है वो पदाधिकारी हम बच्चों के सुरक्षा की जिम्मेवारी रखते हैं और जिम्मेवारी का एहसास दिलाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य। इस बार हम कुछ नवीन किया है, सबसे दबे हुए बच्चे और सबसे शोषित समाज से के बच्चे पढ़ते हैं कस्तूरबा। अभी जो आप लोगों के साथ रक्षा बंधन किया है उसमें मैं बता दूँ कि दुल्ली पट्टी कस्तूरबा की 11 बच्ची आप लोगों के बीच में आई है। उनको मैडम को रक्षा बांधते समय में सबको हो रहा था कि उन्होंने कभी पदाधिकारियों के निकटतम नहीं पहुंचा, उनको आवेश भीतर से हो रहा था कि पदाधिकारी को बांधना है, सब मैडमों को बांधने के लिए आगे बढ़ रही, कितना खुशी हो रहा। तो इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है, हम लोग निरंतर काम करते हैं और आप लोगों को बता दें कुछ नियम। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।